सोमवार को शिमला नगर निगम कर्मचारी यूनियन ने बैठक का आयोजन किया। बैठक में एक स्वर में सभी कर्मचारियों ने सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा को 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार करने की मांग उठाई। साथ ही कर्मचारियों ने इस विषय में शिमला पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त शिमला को नोटिस भी जारी किया है। सोमवार को नगर निगम शिमला कर्मचारी यूनियन द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष ओम प्रकाश ठाकुर ने की। इस मौके पर बीते दिनों नगर निगम शिमला के आयुक्त कार्यालय में आयुक्त के साथ सीटू कार्यकर्ताओं द्वारा की गई बदतमीजी पर चर्चा की गई और पुलिस अधीक्षक शिमला व उपायुक्त शिमला को नोटिस जारी किया गया। नोटिस में कर्मचारियों ने मांग की है कि सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा को 24 घंटों के अंदर हिरासत में लिया जाए। गौर हो कि बीते शनिवार को रेहड़ी फड़ी तय बाजारी यूनियन ने सीटू के बैनर तले नगर निगम आयुक्त कार्यालय में जाकर जमकर हंगामा किया। बातचीत के दौरान अचानक सीटू कार्यकर्ताओं और नगर निगम आयुक्त पंकज राय के बीच बहसबाजी शुरू हो गई। नगर निगम के कर्मचारियों का कहना है कि सीटू कार्यकर्ता इस दौरान बदतमीजी पर उतर आए, यहां तक कि उन्होंने आयुक्त को थप्पड़ मारने की भी कोशिश की। शिमला नगर निगम कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष ओम प्रकाश ठाकुर ने कहा कि तह बाजारियों द्वारा नगर निगम के कर्मचारियों पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की ताकि हमलावर तह बाजारियों को सबक मिल सके। आपको मालूम है कि पिछले सप्ताह शनिवार को हमारे आयुक्त नगर निगम शिमला के साथ एक सीटू के नेता विजेंद्र मेहरा द्वारा शाम को 5 बजे उनके कार्यालय कक्ष में बहुत ही बदतमीजी की गई और आयुक्त नगर निगम शिमला को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया गया, टेबल के ऊपर उन द्वारा मुक्का मारा गया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। इस बारे हमने आज नगर निगम की समस्त शाखाओं के प्रतिनिधियों द्वारा और हर एक यूनियन के अध्यक्ष द्वारा हमने एक तुरंत बैठक बुलाई और बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जो बदतमीजी श्री विजेंद्र मेहरा द्वारा आयुक्त महोदय नगर निगम शिमला के साथ की गई है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके हमने यह फैसला लिया कि उसका एक हमने नोटिस तैयार किया है और वो नोटिस जो है उपायुक्त शिमला को और एसपी शिमला को हम देने जा रहे हैं, जिसमें हम यह मांग कर रहे हैं कि विजेंद्र मेहरा को 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो हिरासत में लिया जाए, ताकि आने वाले समय में ना नगर निगम के अधिकारियों के साथ ना कर्मचारियों के साथ कोई ऐसी घटना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।